even get some cause. वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं अभी क्वांटिनम 8.9 का क्लान में हूँ। ये क्लान मतलब टाउनल 8.9 का फेमस प्लेयर यहाँ आते हैं, मतलब हाई लीग प्लेयर। तो मैं आपको ये क्लान का दो बेस्ट प्लेयर जो कंपटीशन चल रहे नंबर वन पे देख सकते हो आप, मतलब उज्जल अब्रो एंड वाइल्ड ब्रो, ये दोनों का कभी वो एक नंबर पे आते हैं तो वो कभी दो नंबर पे आ जाते हैं। ओके, तो ये दोनों का अटैक मैं आपको दिखाऊंगा जो कि टाउनल 12 के फुल मैक्स मैच के ऊपर क्या हुआ है। एक अटैक एक स्टार हुआ है एंड एक अटैक टू स्टार हुआ है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड बहुत ही हैवी अटैक था दोनों। एंड मैं भी टाउनल 9 का लेजेंड प्लेयर हूँ, लेकिन मेरा अटैक तो पुराना हो चुका है, ये नया जनरेशन का अटैक आप देख सकते हो। दोनों का प्रोफाइल भी एकदम मस्त है। ओके, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर भाई। ओके, तो चलिए उनका आपको अटैक दिखाने चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अटैक देखिए, उज्जल भाई ने किया था, दो स्टार निकाला था एंड ये भी टाउनल 12 का फुल मैक्स ऑफ बेस्ट। अब देख सकते हो सब डिफेंस मतलब फुल मैक्स है, 2000 टावर कंट्रीशन चाहिए, लेकिन यार बहुत सारे डिफेंस को यार टाउनल भी बाहर के तरफ है जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो देख सकते भाई ने गोलेम के साथ इन दोनों हीरोज को भी डेप्लोर कर दिया है एंड उसके जो पास में था हाइडन टेस्ला वो भी निकल चुका है एंड टाउनल का भी गीगा टेस्ला निकल जाएगा एंड अभी भी निकल चुका है आप देख सकते हो। एंड हाइडन टेस्ला से गीगा टेस्ला भी बहुत पावरफुल होता है एंड देख सकते हो भाई को क्वीन का एबिलिटी एंड फाइनली गीगा टेस्ला डिस्ट्रॉयड हो गया एंड उनका क्वीन का 50% हिट पॉइंट भी चला गया। यार गीगा टेस्ला का जो फटता है ना उसका धमाका बहुत ही पावरफुल होता है। टारगेट में जो आता है वो बच नहीं पाता है एंड आपको तो पता ही है जो इन्फर्नो टावर एंड ईगल अटैक का जो डैमेज पर सेकंड का है ना वो बढ़ा चुका है डैमेज। मुझे मालूम नहीं है क्यों बढ़ाते हैं, या ट्रॉफी पुशर के लिए बहुत ही यार हार्ड होता है पुशिंग के लिए, यार पुशर को हेड करता है सुपर सेल यार। लेकिन कोई बात नहीं, वो जितना भी हार्ड हमको करे बेस को हम ऐसे ही ट्रॉफी पुशिंग करते रहेंगे, कभी भी हार मानने वाले हम कभी भी हार नहीं मानने मानेंगे। ओके, तो यार देख सकते हो 49% भी यार डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं एंड 1% के हो जाएगा 50% एंड फाइनली यहाँ से 51% हो चुका है एंड भाई ने बहुत अच्छा अटैक किया यार, खतरनाक अटैक था 51% यार, 7 ट्रॉफी के लिए 51% बहुत ही एकदम मस्त अटैक था। तो फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा अटैक दिखना चाहता हूँ जो कि उल भाई ने एक्स्ट्रा से 9 ट्रॉफी निकालता है, और ये बेस देख सकते हो यार बहुत ही क्रिटिकल एंड हार्ड बेस है जो कि टाउन हिल प्लस सेंटर बीच में है एंड इसको अटैक करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, मतलब आपका थोड़ी भी गलती हो जाए ना नहीं हो सकता, सिर्फ फनल कर करके भाई इससे 50% निकलना है। आप देख सकते हो कितना यार क्रिटिकल मतलब बेस को भी एक्स्ट्रा करने के लिए ये भाई ने डाले होते। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितना खतरनाक बेस हो, कितना अच्छे तरह से भाई ने अटैक कर रहे हैं एंड यहाँ से देख सकते हो 27% भी डिस्ट्रॉयड आ चुका है
एंड ऐसे ही मैंने 50% निकाल देंगे, कोई बात नहीं आपके देखते देखते। एंड बहुत दिमाग लग के धीरे धीरे अटैक कर रहे हैं भाई साहब। तो फ्रेंड्स, आपको ये अटैक सबसे देख के तो पता चल गया होगा ये अटैक कितना क्रिटिकल होता है। एंड यार बहुत ही क्लाउडिंग फेस करना पड़ता है ये 5600 ट्रॉफी के रहने के। कम से कम यार 2 आवर्स तक क्लाउडिंग होता रहेगा, क्योंकि मैं जो ऑल टाइम बेस्ट था मेरा 5252, तब मेरे यार 1 आवर्स तक क्लाउडिंग होता था। लेकिन देख सकते हो यहाँ से फाइनली इलेक्ट्रो ड्रैगन एयर माइन से ले लिया है, जो कि 30 पॉइंट का मतलब 30 आवरिंग स्पेस का टूज का जो स्पेस है ना यार लॉस हो गया। यार एयर माइन सबसे बड़ी गंदी चीज़ होती है, सबसे बहुत ही गंदी चीज़। लेकिन देख सकते हो 37% बहुत ही मुश्किल से निकल चुका है यहाँ से भाई ने। एंड अभी तक ईगल एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही ट्रूप्स अपलोड होगा एक दो यार ये कंपल्सरी एक्टिव हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी ट्रूप्स डिप्लॉय कर चुके हैं भाई। एंड फनल भी के लिए बहुत ही क्रिटिकल बेस है ये। तो फाइनली उनका ईगल एक्टिव बेस में एक्टिव हो चुका है, लेकिन 44% डिस्ट्रॉय हो चुका है बेस में। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारे ट्रूप्स पड़ा है। कॉम ट्रूस में 50% निकल दिया है भाई ने। अटैक तो बहुत यार खतरनाक था यार, सच कहता हूँ खतरनाक था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों अटैक जरूर अच्छा लगा, प्लीज लाइक करिए ये अटैक के लिए। एंड मेरा भी टाउन एंड लाइन का ग्राउंड अटैक स्ट्रेटेजी देखना है तो प्लीज चेकआउट माई चैनल प्लेलिस्ट। एंड मैं तो टाउनल 7 में ट्राई कर रहा हूँ लेजेंड जाने के लिए, देखते हैं कौन पहुँचते हैं। हम बहुत क्लाउडिंग होता है यार। एंड यार प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो एंड सब्सक्राइब करो, बाजू का बेल आइकन भी दबाना भूलना मत, वो दबाना जरूरी है भाई, नहीं तो मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।